थोड़ा टफ है इस बार। टफ का है लग रहा है, दोनों स्थानीय है। यही कह रहे थे, विकास तो हो ही रहा है। विकास हो रहा है? हाँ विकास तो। केकरा केकरा वोट दीजिएगा? देखिए अभी कहना मुश्किल है ये बात को, कन्फ्यूजन में सब आदमी पड़ गए हैं। 19 लाख नौकरी का वादा था, नीतीश कुमार चुनाव से पहले बोले थे, दिए कहाँ। राजीव सिंह मेरा बगल का आदमी, मेरा नेता है, बाजू का बगल का, मेरा घर का। अरे ये ब्राह्मण है वो देंगे मिश्रा जी को, हम बनिया है तो हम किसको देंगे? मैंने कि जदयू को, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। और तो हम देंगे मोदी जी को, हम नीचे जो है अपना जनता को देख कर देंगे हम। शहीदों की धरती तारापुर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इस धरती की विशेषता हम बताएंगे आपको कि यहाँ पे 35 लोग शहीद हो गए थे झंडा सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 1932 में 15 फरवरी को। उसके बाद से हर वर्ष 15 फरवरी को तारापुर दिवस मनाया जाता है, सत्याग्रह दिवस मनाया जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सत्याग्रह में जो साथी यहाँ के लड़े थे, जो शहीद हुए थे, उनकी तस्वीर है। और ये धरती काफ़ी क्रांतिकारी रही है, इतिहास इनका काफ़ी पुराना रहा है। चुनाव है यहाँ पर, यहाँ की जनता किनको वोट देती है, किनके सर पर जीत का सेहरा सजाती है, यह देखेंगे और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। अभी तो हम लोग सोचे नहीं, बहुत टेंशन लग रहा है, क्या क्या होगा, मतलब अभी समझ नहीं पा रहे हैं किसको करना चाहिए, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है। क्या दोनों यहाँ का जो व्यक्ति हैं दोनों अच्छे हैं, डिस्कस नहीं हो पा रहा है अभी। कौन दोनों? ये जो राजीव सिंह है और अरुण साव। अरुण साव तो खैर आप लोग के कष्ट से है ना? हाँ मेरे कष्ट से है। क्या लगता है? अच्छे आदमी है, कि अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं किनको देना है। जल्दी ही चुनाव हो रहा है। हाँ हाँ वो तो है ही, डिस्कशन है। और इनके विषय में भैया मेरे बता देंगे, भैया से भी बात करें। हाँ हाँ जरूर। क्या नाम हुआ? अमित जी। क्या लग रहा है किनको वोट देना चाहिए इस बार, और विकास कितना हुआ है तारापुर में? विकास तो जितना होना तो होबे किया, होगा ही आगे। थोड़ा टफ है इस बार। टफ का है लग रहा है? दोनों स्थानीय है, ये खुल के कहना मुश्किल है कि किसको दे किसको ना दे। कहीं कन्फ्यूजन में नोटा तो नहीं दबा दिया? नोटा नहीं दबाएगा, दबाएगा तो विवेकर सही जगह पे दबाएगा, बिल्कुल सही जगह पे। सही जगह पे बताइए ना। नहीं बात क्यों, अभी अब जमाना चला गया, वोट जहाँ देना देंगे, कैसे बता रहे हैं, बात का टेंशन क्यों लेगा बताइए। बनिया समाज है आप लोग? कोई समाज छोड़िए ना, इस बार बहुत टफ है भैया। यहाँ पे विधायक थे मेवालाल चौधरी जी, जिनके जगह पे अब बिल्कुल बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं, काम हुआ है। कुछ जगह है आपका जैसे बाजार है, यहाँ पर उस तरह से गंदगी है, सफाई नहीं हो पाती है, क्या लगता है कि पहले से सफाई हो रही है, ऐसा नहीं काम हो रहा है? सेब बेचते हैं, फल बेचते हैं आप लोग? हाँ। महंगाई तो है, उसका मत बोलिए, उसका मत बोलिए, आग लगल है। महंगाई में आग लगा हुआ, पूरा आग, आग ही आग कहिए इसको। इस बार लग रहा है पलड़ा भारी एकदम है, तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है। ये कैसे, ये नहीं बोलेंगे। अच्छा क्या नाम हुआ? धर्मवीर हुआ। की कह रहे हो भाई जी, का बतबो? हम यही कह रहे थे, विकास तो हो ही रहा है। विकास हो रहा? हाँ विकास तो। केकरा केकरा वोट दीजिएगा? देखिए अभी कहना मुश्किल है ये बात को, कन्फ्यूजन में सब आदमी पड़ गए हैं। क्या करते हैं? हाँ फर्नीचर कंपनी में काम करते हैं। फर्नीचर का काम करते हैं? हाँ। किसको वोट दीजिएगा? देखिए अभी कहना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि दोनों एक संगठन आदमी है, दोनों एक ही जगह का आदमी है, समझे। इसके लिए आगे अभी सोचा नहीं जा सकता है कि किसको काम वोट दे सकते हैं। वोट तो देना चाहिएगा। हाँ वोट तो देना जाना ही है, वोट तो देना ही जाना ही है, लेकिन थोड़ा अभी माहौल, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा बाजार का मामला जो है, जैसे हुआ कोई भी चीज़, महंगाई कम हो, गरीब को थोड़ा सुख मिले, शांति मिले, और कुछ नहीं चाहिए हमको। तारापुर से युवा हैं आप, युवा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रह रहा है अभी, और क्या लगता है किसको वोट देना चाहिए आपके तारापुर में चुनाव? पता है अरुण साह। अरुण साह मतलब लालटेन साहब? हाँ। का है ऐसा? आया अरुण साहब अच्छा आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं है युवा को अभी के सरकार ने बेरोजगार कर दिया? हाँ सही बात है, सही बात है। क्या बात है? 19 लाख नौकरी का वादा था, नीतीश कुमार चुनाव से पहले बोले थे,
दिए कहाँ? 19 लाख का वादा था, नहीं मिला इसलिए। हाँ सर, क्या मतलब लग रहा है, किस बार किसको वो मतलब जीत मिल रही है आप लोग के तरफ से, क्या लग रहा है? आप युवा कहीं बैठते होंगे, चर्चा करते होंगे। हम लोग तो, की तरफ से तो लग रहा है अरुण साहब जीतेगा। मतलब सारे जो आपके गैंग के युवा हैं, आपके जो लोग हैं जान पहचान के, सब किसको दे रहे हैं? हाँ अरुण साहब को। कहाँ घर है? मेरा घर मासूमगंज पर, बगल में है। कौन बताओ भैया, एकरा वोट दे चाहिए, एकरा वोट दे चाहिए। मेरा देखिए 18 बरस पूरा नहीं है अभी, 18 बरस नहीं हुआ, तो फिर एक युवा है, बताइए आपकी क्या होना चाहिए रोजगार, जो आजकल आप भी बड़े होंगे तो आपका भी जमीर कहेगा कि नहीं, अब कितने माँ बाप के पैसे से काम करेंगे, कितना खाएंगे, अपना काम करें। क्या लगता है जो रोजगार के मुद्दे पर क्या कहेंगे? देखिए हम एक बात बताते हैं, हम अपने लिए कमाएंगे, हम अपनी माँ बाप के लिए, ठीक ना, सब कुछ अपने माँ बाप। सरकार देगी नौकरी तब तो? सरकार नौकरी देगी सर, ऐसा बात नहीं कि नहीं देगी सरकार। 19 लाख वादा किए थे, नहीं दिया अभी तक, भैया भी वही कर, भैया भी वही कर। देखिए देखिए हम तो देंगे आपको, हम बोले ना हमको नौकरी मिलेगा, मिलेगा। हाँ एकदम संतुष्ट। हाँ। चलिए आपको मिल जाएगा, आप स्वार्थी नहीं है ना कि आपको मिल जाएगा तो, और किसी को नहीं मिले तो कोई दिक्कत? सबको मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं, अगर ऐसा होगा तो सबको मिलेगा। किसको जिताना चाहिए आप बताइए, युवा हैं आप? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार? हाँ आपके दोस्त कह रहे हैं लालटेन, आप कह रहे हैं नीतीश कुमार? लालटेन को जिताना चाहिए, हम जानते सबको एक एक बार जिताना चाहिए, एक एक बार सबको, तो एक बार जदयू को मौका टेस्ट करना चाहिए। अच्छा सबसे एक बार टेस्ट होना चाहिए, देखते हैं कौन कैसा है। क्या बोल रहे हैं भैया? हम भैया कुछ नहीं बोले। कुछ तो बोलिएगा, युवा हैं आप लोग, लालटेन या प्रीतिर? लालटेन। लालटेन? हाँ। काहे युवा लालटेन के तरफ जा रहे? लालटेन काहे का सर करता है ऐसे काम, करता है? हाँ काम करता है। सरकार में लाइएगा, काम करेंगे, ऐसा है उम्मीद? हाँ सरकार करेगा, ऐसा नहीं है। हमे की कही हूँ, हमें तो वोटर छे कि नहीं यार। तारापुर के वोटर नहीं छिको? अच्छा महंगाई तो छे ये, पर बोलबो कुछ छे तो कहने बोलबे कि सब चीज़ तो महंगाइए छे, हाँ आरो सरकार तो ये पर कोई ध्यान नहीं है डालो। कमाए हुआ पारे छौ वे रंग की तेल निकली जाए, तेले 250 लीटर दिन भर कमाए छे तो 1 किलो तेल भी नहीं बढ़िया से पूरे छे, 200 टका कमेबे तभी न हमारा 1 किलो तेल मिलता है, बोलो हैं? महंगा छो आलू प्याज कहाँ से पुरते, हमारा आर के तो कुछ नहीं पूरी रहो छे, बुझलो न? तो ये लैके हमें सब तो खैर नहीं चाहे छे कि ये सरकार बने, लेकिन फिर भी की करबो, हमरा चाला होते कि सब कोई चाहते तभी ना होते। महंगाई है और यहाँ पर चुनाव भी है, महंगाई तो पूरा है। वोट देना चाहिए? देखिए ऐसे तो इस क्षेत्र में मेरा घर नहीं है, अगर मेरे इलाके में अगर वोट होता तो हम लालटेन साहब को देते। लालटेन को कहा चुन रहा है सर? वो हम लोगों को बहुत फायदा दिया है। आपके रिलेटिव होंगे तारापुर में जो यहाँ के वोटर होंगे, कोई तो होंगे? हाँ वो है, लेकिन अब उसका क्या विचार है वो बता सकते हैं, लेकिन मैं अपना विचार बताया। काहे लालटेन क्यों चुन रहे हैं बताइए? चुन रहे हैं, वो हमको पसंद है, सभी से उसमें जुड़े हुए हैं लालटेने से। हाँ हाँ करता है, वोटर है उनका, हम वोटर। हाँ वोटर है। अच्छा लगता है। हाँ, हमको महंगाई पर कुछ कहना चाहिए? महंगाई पर बहुत चरम सीमा पर चला गया, हम लोग कमाते हैं उसके बाद भी पूरा नहीं हो पाता है, दाल रोटी दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना कमा लेते हैं? 200 कमाते हैं और क्या, 200 में तो टेले आता है भाई, वही तो कुछ फाड़ पे रहते हैं तो कितना कमाएंगे, कोई मेरा बड़ा बिजनेस है नहीं। किनको दें फिर बताइएगा आप? बताइए हमको किनको देना, हम कहे बताएंगे, हम जिनको दीजिएगा, नोटा मत दीजिएगा किन्हीं को वोट दीजिएगा, लेकिन किनको दीजिएगा? और तो हम देंगे मोदी जी को, हम नीचे जो है अपना जनता को देख कर देंगे हम। भाजपा अलग है, आरजेडी अलग? हाँ तो भाजपा को देंगे, भाजपा को दीजिएगा। एनडीए को? एनडीए को। कौन है एनडीए से यहाँ पे? राजीव सिंह। राजीव सिंह को जी हाँ। किनको देना चाहिए, क्या लग रहा है आपको, किसके तरफ है आपका? देना चाहिए मैंने कि जदयू को, लेकिन इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे और उनको जिताने का प्रयास करेंगे। राजेश मिश्रा, राजेश मिश्रा जी जी। कुछ खास? खास तो है ही, अगले बार निर्दलीय से हुए थे और उनको समर्थन भी किए थे, और इस बार कांग्रेस से है और कांग्रेस ही रहेगा और कांग्रेस को ही वोट करेंगे। क्या कहना है? हम लोग भी कांग्रेस में हैं, राजेश मिश्रा को वोट देंगे। फुल कांग्रेस में?
हाँ देखिए समय भी बताएगा, अभी प्रचार अभी नहीं निकला है, प्रचार निकलने के बाद में मालूम लगा किस कौन को क्या है। तुरंत मत नहीं है ना बदल पाएगा? नहीं तो प्रचार देखने के बाद है ना। हाँ फैसला तो पहले से होगा। हाँ फैसले से। हाँ हाँ हम लोग तो ऐसे तो बनिया समाज में तो आपको जाएगा ना थी मिल जाएगा। हाँ अरुण साव है आपका जो है, संजय सिंह है उनको भी वोट देंगे, राजेश सिंह को वोट देंगे, राजेश सिंह को वोट देंगे हम लोग, बनिया समाज में वहीं जाएंगे हम लोग। राजेश सिंह मेरा बगल का आदमी, मेरा नेता है, बाजू का बगल का, मेरा घर का। अरे ये ब्राह्मण है वो देंगे मिश्रा जी को। अच्छा। हम बनिया है तो हम किसको देंगे? रोज आता है, रोज जाता है वो, मिलते जुलते रहते हैं और उनका बढ़िया विचार है, बढ़िया तारापुर में उसका तालमेल है और बढ़िया उसका अथी भी है, बोर्ड भी है बगल के मेरा है, कभी जाके दौड़ जाएंगे। हाँ जीतेंगे, कहीं जीतेंगे पूरा राजेश मिश्रा, उनका उनका अपना दिमाग है, हमारा अपना दिमाग है। वोट काट रहे ब्राह्मण लोग का इसका मतलब क्या? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ब्राह्मण नहीं काट रहा है, उनको वोट मिल रहा है, सब तरफ से मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। राजेश मिश्रा को वोट मिलेगा, अच्छे व्यक्ति हैं और हम जात पात को नहीं मानते हैं और कांग्रेस को हम वोट देना चाहते हैं। अमर शहीद बलिदानियों की धरती तारापुर से आपने लोगों को सुना, तारापुर बाजार की जनता क्या कहती है, जनता का मूड क्या कह रहा है, इस बार वो किनको चुनेंगे। बहरहाल 2 नवंबर को ये फैसला होगा, लेकिन यहाँ की जनता जदयू और राजद कांग्रेस तीनों के पक्ष में है, लगभग जो है ज़्यादातर जदयू और राजद के पक्ष में दिख रहे हैं। बहरहाल 2 नवंबर को किसका पलड़ा भारी होता है और किसके सर पर जीत का सेहरा होता है यह देखना दिलचस्प होगा। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, तारापुर।